हेलो। हाँ जी, सत श्रीकाल जी। असी नेक्स्ट बच्चे कर रहे हैं रेजोनेंस। रेजोनेंस की है, व्हेन ए मालिक्यूल कैन नॉट बी रिप्रेजेंट बाय ए सिंगल स्ट्रक्चर बट इट्स करेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी कैन बी डिस्क्राइब्ड बाय टू और मोर देन टू स्ट्रक्चर, देन द एक्चुअल स्ट्रक्चर इज सेड टू बी रेजोनेंस हाइब्रिड ऑफ दीज स्ट्रक्चर्स। जदों किसी मालिक्यूल असी सिंगल स्ट्रक्चर के नाल एक्सप्लेन नहीं कर सकते, बट उन्हें डिस्क्राइब करांगे दो जां दो तो वध स्ट्रक्चर, तो जिहड़ा एक्चुअल स्ट्रक्चर बनेगा ना उन्हें असी कहना रेजोनेंस हाइब्रिड। वो आपके को की बनेगा? रेजोनेंस हाइब्रिड। हुण रेजोनेंस हाइब्रिड दी एग्जाम्पल के तौर पर असी करांगे अजोन मालिक्यूल। अजोन मालिक्यूल का असी फॉर्मल चार्ज भी किया होया वा। एक्चुअली अजोन मालिक्यूल च आ सेंटर वाली ऑक्सीजन को एक लोन पेयर ही, ये को तीन लोन पेयर ही, तो ये को दो ही। जो बच्चे आ दो लोन पेयर के इलैक्ट्रॉन ये को जाएंगे, ठीक है, तो आ जे दो इलैक्ट्रॉन ने लोन पेयर के इस ऑक्सीजन को आएंगे, तो इतने आज को जो दो इलैक्ट्रॉन मिले एक बॉन्ड बन जाता दो दे नाल, आ डबल हो जाएगा, आ की हो जाएगा आपके को सिंगल हो जाएगा। नेक्स्ट हुण एक्चुअली की प्रैक्टिस दे विच गल है कि जिहड़ा सिंगल बॉन्ड है वह लम्मा हुंदा है, तो डबल बॉन्ड जिहड़ा वह छोटा हुंदा है। इस अकॉर्डिंगली आ लम्मा होएगा तो आ छोटा होएगा, बट नेक्स्ट स्ट्रक्चर दे विच की होया कि आ बॉन्ड लम्मा हो जाएगा तो आ छोटा होएगा। बट जे मैं देखा इहदा एनालिसिस कीता तो इहदियां दोनों साइडां ते बॉन्ड लाइन ते इक्वल आ रही है, दैट इज कॉल्ड एज रेजोनेंस हाइब्रिड। तो असी इस ऑक्सीजन नू एक इहदे नाल डार्क लाइन करांगे ते एक डॉटड। डॉटड दा मीनिंग है कि किसी भी साइड नू ये डबल हो सकता। क्लीयर हो जाएगा रेजोनेंस? फॉर एग्जाम्पल के तौर पर मैं एक होर मालिक्यूल डिस्क्राइब करने की कोशिश की है, दैट इज़ कार्बन डाइऑक्साइड। हुण कार्बन डाइऑक्साइड दे विच कार्बन कोल साडे कोल चार इलैक्ट्रॉन हैं, ऑक्सीजन को छे ही, इस तरह इन्होंने शेयर किए हैं, ऑक्सीजन मोर इलैक्ट्रो नैगेटिव होने करके इन्हें आ दो इलैक्ट्रॉन अपने वालों अट्रैक्ट किए। जो इन्हें दो अट्रैक्ट किए तो ये को तीन लोन पेयर हो जाएंगे, इस कार्बन को इलैक्ट्रॉन घटे तो इन्हें अपने दो इतने डोनेट कर दिए, आ सिंगल हो जाएगा। इस ऑक्सीजन को तीन लोन पेयर हो जाएंगे, इतने साढ़े को ट्रिपल बॉन्ड हो जाएगा, तो ऑक्सीजन को एक लोन पेयर रहा तो ये पॉजिटिव चार्ज। हुण नैक्सट रेजोनेंस जिहड़ा बच्चे तुसीं बनाना ना, आ पहले ऑक्सीजन लिख लेनी जी, नैक्सट कार्बन, तो नैक्सट ऑक्सीजन। इस तरह मैं कार्बन डाइऑक्साइड का भी रेजोनेंस बना सकता वा। नैक्सट है मेरे को डायपोल मूवमेंट। डायपोल मूवमेंट इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ मैगनीट्यूड ऑफ द चार्ज एंड द डिस्टेंस ऑफ सैपरेशन बिटवीन द चार्ज। डायपोल मूवमेंट की है? प्रोडक्ट आ कि एक चार्ज का एक उन्होंने विचकारली डिस्टेंस, एंड इट इज़ रिप्रेजेंट बाय ग्रीक लैटर दैट इज़ कॉल्ड एज म्यू। ठीक है, मैथमेटिकली डायपोल मूवमेंट लिखनी है चार्ज इनटू डिस्टेंस। फॉर एग्जांपल असी क्या कि हमारे को दो चार्ज ने, पॉजिटिव चार्ज हो गया तो नैगेटिव ए ते बी, आ टोटल इन्हां दे विचकार डिस्टेंस आएगी, तो डायपोल मूवमेंट जिहड़ी है म्यू इक्वल टू चार्ज इनटू डिस्प्लेसमेंट, वेयर आपां इन्हां लिखता क्यों की है चार्ज किसी भी एटम ते हो सकता है, तो डी की होएगी डिस्टेंस होएगी। तो असी जानते हैं बच्चे जिहड़ा बिकॉज चार्ज है किहदे इक्वल हुंदा है 10^-10 ESU इलैक्ट्रोस्टेटिक यूनिट आ, इलैक्ट्रोस्टेटिक यूनिट। तो डी की जे डी साढ़े को डिस्टेंस है, एंड अप्रोक्सीमेटली असी कि मानते हैं 10^-8 cm, तो म्यू की वैल्यू कढ़नी है साढ़े को, चार्ज की वैल्यू ही गिवन 10^-10, डिस्टेंस ही 10^-8 cm, तो इन्हों मल्टीप्लाई करा तो साढ़े को 10^-18 ESU सेंटीमीटर आ जाएगा। दिस क्वांटिटी इज कॉल्ड डेबे एंड इज डिनोटेड बाय कैपिटल डी। डायपोल मूवमेंट नू रिप्रेजेंट करने लई जिहड़ा यूनिट आ रहा दैट इज डेबे, डी ना रिप्रेजेंट करांगे तो 1 डेबे किहदे इक्वल होएगा 1 × 10^-18 ESU सेंटीमीटर, नाल उहदे यूनिट जरूरी लिखने है। ठीक है, नैक्सट है डायपोल मूवमेंट इज ए वैक्टर क्वांटिटी है एंड इज रिप्रेजेंट बाय स्मॉल
एरो विद द टेल एट द पॉजिटिव सेंटर एंड हेड पॉइंटिंग टुवर्ड्स द नेगेटिव सेंटर। टेल उस एरो की किधर नू आएगी? पॉजिटिव एंड वाल नू। ते हेड किधर नू जाएगा? नेगेटिव पोल वाल नू। फॉर एग्जाम्पल कार्बन डाइऑक्साइड, हुण कार्बन डाइऑक्साइड असीं बात करते हैं एच सी एल। हुण हाइड्रोजन ते तुहानू पता है पॉजिटिव चार्ज हुंदा, ते क्लोरीन ते किहड़ा चार्ज हुंदा? नैगेटिव। दैट इज़ द डायपोल मूवमेंट। असी टेल आएगी साढ़े को हाइड्रोजन पर, तो हैड आएगा क्लोरीन पर। कार्बन डाइऑक्साइड है तो कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन तो ऑक्सीजन चो मोर इलेक्ट्रोनैगेटिव कौन ही? ऑक्सीजन। हैड आएगा कार्बन वाल, तो टेल आएगी कार्बन वाल, तो हैड आएगा ऑक्सीजन वाल। अगेन टेल आएगी कार्बन वाल, तो हैड आएगा ऑक्सीजन वाल। ये दोनों एक दूजे एरो कैंसल कर रहे हैं। जो एक दूजे को कैंसल करेंगे डायपोल मूवमेंट साढ़े को जीरो हो जाएगी, तो यह नॉन पोलर मालिक्यू बनेगा। जिद कुछ ना कुछ डायपोल मूवमेंट होएगी वो साढ़े को मालिक्यू पोलर बनेगा। पोलर मीन वो दो पोल बनने। ठीक है जी, इनू सारे लिख लियो तो एक बार चेक कर लियो। थैंक यू।